गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति हमने जो कल पढ़ा था कि एसआई पद्धति क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है। तो एसआई पद्धति को लिख में जो मात्रक होते हैं उनको लिखने के कुछ नियम हैं। एसआई पद्धति में मात्रक को लिखने के नियम, पहला नियम है मात्रक को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। ऐसा ही पद्धति में जब हम मात्रक को लिखते हैं तो उसका पहला नियम यह है कि मात्रक को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाना है। जैसे यहाँ पर लंबाई को हम का मात्रक होता है मीटर, तो हम उसको स्मॉल एम से लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, तो स्मॉल के इंटू स्मॉल जी। ये उसका क्या होगा, लिखने का तरीका होता है कि हम उसको अंग्रेजी के अक्षरों से तो लिखेंगे लेकिन उसके छोटे अक्षरों से ही हम उसको लिखते हैं। दूसरा होता है मात्रक हमेशा एक वचन में होना चाहिए। देखो मात्रक को हम बहुवचन में नहीं ले सकते, उसको हम हमेशा किस में लेंगे, सिंगुलर नंबर एक वचन में लेंगे। जैसे यहाँ पर हम मीटर को एम लिखते हैं ना कि एम एस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एम एस अगर हम लिख रहे हैं तो ये किस में हो जाएगा, उसका बहुवचन होगा और इसका मतलब कुछ और निकलता है। इसलिए हम हमेशा मात्रकों को किस में लिखते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन में लिखते हैं। तीसरा, यदि मात्रक को अंग्रेजी में लिखना है तो उसके सारे जो वर्ड होंगे वो किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। तो उसके सभी अक्षर छोटे होंगे। मतलब यदि हम जैसे मीटर है तो हम मीटर को लिखते हैं एम ई टी आर ई, ये हो गया मीटर। तो हम यहाँ पर जैसे कोई वर्ड लिखते हैं तो सबसे पहला वर्ड कैसा रहता है, कैपिटल रहता है, उसके बाद के वर्ड कैसे रहते हैं, स्मॉल लेटर में रहते हैं। लेकिन यदि हम मात्रक को लिख रहे हैं तो मात्रक में सारे जो अक्षर हैं वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। इसमें हमको किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। और चौथा, मात्रक को लिखने के बाद विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता। मात्रक को लिखने के बाद विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे यदि हम लिख रहे हैं कि किसी क्षण की लंबाई
4 मीटर है, तो 4 मीटर बस लिखेंगे। इसके बाद हम पूर्ण विराम या अल्प विराम किसी भी चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे। ये होता है मात्रक को लिखने के नियम। पहला नियम ये है कि उसमें कभी भी हम कैपिटल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम हमेशा स्मॉल लेटर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो छोटे अक्षर होते हैं उनका ही उपयोग करते हैं। सेकंड चीज़ उसमें है कि उसमें एक वचन के रूप में जितने भी मात्रक लिखेंगे वो एक वचन में होना चाहिए, कभी भी वो बहुवचन में नहीं होता। तीसरा होगा यदि हम उसके पूरे सेंटेंस को लिख रहे हैं, मतलब मीटर के पूरे स्पेलिंग को यदि हम लिख रहे हैं तो उसके सारे वर्ड सारे स्पेलिंग्स कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर में। और चौथा होता है मात्रक को लिखने के बाद हम विराम चिन्ह का उपयोग नहीं करते, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम हो गया, इन चिन्हों का उपयोग ऐसे हम लिख के सिर्फ उसको 4 मीटर लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी चिन्ह यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं एसआई पद्धति में जो मात्रक है उनके डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला होता है लंबाई। सबसे पहला होता है लंबाई। लंबाई कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पर एक है ए और ये दूसरा स्थान है बी, तो ए से लेके बी तक की जो दूरी होगी, ए से लेके बी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, लंबाई कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो स्थानों की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, लंबाई। और लंबाई को मापते हैं मीटर से। डेफिनेशन क्या होगा, किन्हीं भी दो स्थानों की बीच की दूरी। दो स्थान जैसे ए और बी, हमने दो स्थान लिया, दोनों स्थान के बीच की जो भी दूरी होगी उसको हम क्या लेंगे, लंबाई कहेंगे। और इसको हमेशा हम नापते हैं किससे, मीटर से। तो एक मानक मीटर, एक मानक मीटर वह दूरी है। देखो मानक मीटर कहने का मतलब मीटर को हम कैसी कही माने हैं, एक मानक माने हैं। तो एक मानक मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 के शून्य उत्सर्जित लाल रंग की, देखो यहाँ पर एक मानक मीटर के डिस्टेंस नापने के लिए, मतलब उसको मानक कब माना गया कि जब उन्होंने देखा कि क्रिप्टॉन 86 जो है, क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले जो लाल और नारंगी प्रकाश होता है, लाल व नारंगी प्रकाश, जब ये प्रकाश उत्सर्जित हुए तो इस प्रकाश में इसकी संख्या थी 1650763। देखो इसमें एक प्रकाश में एक क्रिप्टॉन 86 जो है, जब उसको देखा गया तो एक क्रिप्टॉन 86 से जितने भी उत्सर्जित किरणें थी लाल और नारंगी रंग की, उसकी संख्या 1650763.73 थी। तो ये जो प्रकाश होता है इनकी जो संख्या है, मतलब एक मानक मीटर में इतनी तरंगें उत्सर्जित हो सकती हैं, इनको लेकर एक मानक माना गया और उसे हमने क्या कहा, मीटर कहा। अब यदि हम इसे ही लेते हैं निर्वात में, निर्वात में प्रकाश द्वारा,
देखो, निर्वात कहने से तात्पर्य यह है कि ना वहाँ पर वायु कोई भी माध्यम ना हो, ना हो वहाँ पर कांच का माध्यम हो, ना ही वायु हो, या मतलब किसी भी प्रकार का जब कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता उसे हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक सेकेंड में, देखो जब निर्वात होगा, निर्वात मतलब वहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं होगा, उस समय प्रकाश के द्वारा एक सेकेंड में 299,782 ये जो तरंगे हैं, 299,782 458वें समय अंतराल, इस समय अंतराल में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। तय की गई दूरी मीटर कहलाती है। ठीक है, मतलब निर्वात कहने से हम यही समझते हैं, निर्वात कहने का ही तात्पर्य है, निर्वात कह दिया मतलब वहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, और जब कोई माध्यम उपस्थित ना हो उस समय कोई प्रकाश के द्वारा एक सेकेंड में, ठीक है ना, कोई प्रकाश वहाँ पर गति कर रहा है तो उस प्रकाश के उत्सर्जित हो रहा है तो उस प्रकाश के द्वारा एक सेकेंड में 299,782 458वें समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाएगी, मीटर कहलाती है। ठीक, यदि हमको नापना हो आणविक और परमाणविक दूरियों को, यदि हमको आणविक और परमाणविक दूरी यदि नापना हो, मतलब दो जैसे अणु हो गए, अणु हैं तो दो अणु यहाँ पर हैं तो दो अणु के बीच कितनी दूरी है, या फिर दो परमाणुओं के बीच कितनी दूरी है, क्योंकि अणु और परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए अणु और परमाणुओं के बीच की जो दूरी है इसको नापने के लिए हम मीटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, वास्तव में ये बहुत ही छोटे कण होते हैं, और छोटे कण होने के कारण इनके बीच की जो दूरी भी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे मीटर से नहीं नाप सकते, या सेंटीमीटर से भी हम इसे नहीं नाप सकते, इसलिए इसके लिए एक अलग इकाई का उपयोग होता है, वो है माइक्रोन। उसको कहते हैं माइक्रोन। एक मीटर के 10,00,000वें भाग को, एक मीटर के 10,00,000वें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं। देखो, एक मीटर के 10,00,000वां हिस्सा जो होगा, मतलब एक मीटर को यदि हम देखें तो उसका यदि 10,00,000 हिस्से में अगर हम उसको बांटते हैं तो 10,00,000 हिस्से में जो उसका एक हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, एक माइक्रोन कहलाएगा। इसे हम म्यू एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम म्यू एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब यहाँ पर एक माइक्रोन बराबर 10^6 मीटर होगा। एक माइक्रोन बराबर कितना होगा, 10^6 मीटर, क्योंकि यदि हम 10^6 को लिखते हैं तो वो 1,00,000वें भाग के बराबर, मीटर के 1,00,000वां जो हिस्सा होता है
उसके बराबर आता है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^6 मीटर, तो इसको हम और लिख सकते हैं 1 μm इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन को हम μm से दर्शाते हैं, 1 μm इक्वल टू 10^-6 मीटर। सेकेंड है इसमें एंगस्ट्रम मात्रक। एंगस्ट्रम मात्रक कहने का मतलब इसका उपयोग, जैसे हमने माइक्रोन का उपयोग क्यों किया, अणु और परमाणु मतलब दो अणु या दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी थी उसको ज्ञात करने के लिए हमने माइक्रोन का यूज किया, उसी प्रकार एंगस्ट्रम मात्रक जो होते हैं इसका उपयोग परमाणु और नाभिक के आकार का, इसका उपयोग परमाणु या नाभिक के आकार जो होता है इसका उपयोग परमाणु या नाभिक, जो परमाणु होते हैं या परमाणु का जो नाभिक होता है उसके आकार को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्रम मात्रक ये इसका प्रदर्शन है, मतलब A0 से हम एंगस्ट्रम यूनिट को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10^10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, 10^10 मीटर। ये हो गया एंगस्ट्रम यूनिट जिसका हम उपयोग करें परमाणु और नाभिक। परमाणु जैसे है, एक परमाणु है और उस परमाणु के बीच में होता है नाभिक, तो परमाणु का आकार कितना है और उसके नाभिक का आकार कितना है इसको जानने के लिए हम एंगस्ट्रम यूनिट का उपयोग करते हैं। अब है फर्मी। तीसरा मात्रक होता है फर्मी। इसका उपयोग फर्मी है, फर्मी का उपयोग किया जाता है नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में, मतलब जो नाभिक होते हैं उनके आकार को, कोई पदार्थ है उस पदार्थ का जो नाभिक होगा उस नाभिक के आकार को दर्शाने के लिए, मतलब वो उसका आकार कितना है या क्या है उसको हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, फर्मी का उपयोग करते हैं। और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। 1 फर्मी बराबर 10^15 मीटर। 1 फर्मी बराबर होता है 10^15 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते 1 F इक्वल टू
10 की पावर माइनस 15 मीटर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो तीन मात्रक हुए जो कि आणविक और परमाणविक दूरी मतलब अणु या परमाणु या परमाणु के नाभिक या नाभिक का आकार, इनको व्यक्त करने के लिए हम तीन प्रकार के अलग अलग मात्रक पढ़े। एक तो है फर्मी, जिसका उपयोग हम करते हैं नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए। इसके पहले जो हमने पढ़ा था एंगस्ट्रम मात्रक, एंगस्ट्रम मात्रक का यूज होता है परमाणु और नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए। और माइक्रोन, माइक्रोन जो होते हैं वो सूक्ष्म पदार्थ मतलब अणु और परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है इसको बताने के लिए हम माइक्रोन का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से जीव विज्ञान में होता है। जीव विज्ञान में जो हम छोटे छोटे जीवों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें क्योंकि वो जीव जो है माइक्रोन आकार के मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उन जीवों की लेंथ नापने के लिए हम माइक्रोन इकाई का उपयोग करते हैं। यदि हमको लंबी दूरी नापना है तो लंबी दूरी के लिए होगा प्रकाश वर्ष। जैसे हमने छोटी दूरी के लिए तीन इकाई पढ़ा उसी प्रकार जब लंबी दूरी हमको नापना है उनको इसलिए उपयोग करते हैं प्रकाश वर्ष का, मतलब प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है। तो प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है 3×10⁸ मीटर, इस दूरी को हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ये है प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी और इसकी दूरी ये बराबर होता है 1 मीटर के, तो इसे हम क्या कहते हैं एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूसरी इकाई इसमें होता है पारसेक, दूसरी इकाई होता है पारसेक। इसका जो उपयोग है ये होता है पृथ्वी से तारों तक की दूरी नापने के लिए। इसका उपयोग पृथ्वी से तारों की दूरी नापने के लिए किया जाता है। देखो ये तो प्रकाश वर्ष है जो कि आकाशीय पिंडों की दूरी नापने का काम आता है, और पारसेक जो है उसका उपयोग हम पृथ्वी से हम जो तारे हैं तारों की दूरी नापने के लिए करते हैं। तो दो प्रकार के जो मात्रक होते हैं प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये लंबी दूरियों के लिए होते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस क्योंकि हम मीटर में नहीं नाप सकते इस कारण हम इनका उपयोग करते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा जो राशि है द्रव्यमान। ये एसआई पद्धति का दूसरा मूल राशि है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु के जो पदार्थ होंगे उस पदार्थ की जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम क्या कहेंगे उसका वेट या उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे परमाणविक स्केल पर कार्बन 12 C6 6C12 कार्बन 12 को हम लिख सकते हैं C6C12, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और उसका द्रव्यमान कितना है 12 है। इसके
5.0188 इंटू 10 की घात 25 परमाणु। परमाणविक स्केल पर मतलब जो हम परमाणु की संख्या यदि हम लें तो हम ये मानते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 12। तो परमाणविक स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणु के द्रव्यमान को। द्रव्यमान को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। तो देखो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम जो है जिसको हमने मानक माना कि ठीक है कि द्रव्यमान को मापने के लिए मानक मात्रक क्या है, किलोग्राम है, तो वो किलोग्राम को मानक माना कहाँ से गया कि जब हमने परमाणविक स्केल पर देखा कि कार्बन 12 मतलब कार्बन जो है, कार्बन का भार कितना होता है, 12 होता है, तो कार्बन 12 में 5.0188 इंटू 10 की घात 25 परमाणु जो होते हैं, कार्बन 12 में मतलब कार्बन का जब द्रव्यमान 12 है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, 5.0188 इंटू 10 की घात 25। तो इस परमाणु के द्रव्यमान को हम कितना कहेंगे, 1 किलोग्राम कहते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार एक क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। मतलब 100 किलोग्राम अगर हम भार लेते हैं तो वो कितने के बराबर होगा, 1 क्विंटल के बराबर होता है। लेते हैं समय, जो कि एसआई पद्धति की तीसरा मूल राशि है। ठीक है, एसआई पद्धति की तीसरी मूल राशि है, मूल मात्रा क्या है, समय है। समय को हम सेकंड से नापते हैं, समय का मात्रा सेकेंड है। अब देखो समय का मात्रक सेकेंड है। देखो समय के 3 मात्रक होते हैं, जब हम समय देखते हैं तो या तो हम घंटे में बताते हैं, या फिर मिनट में बताते हैं, या फिर सेकेंड में बताते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड एक मानक इकाई माना गया कि ये ना तो बहुत छोटी इकाई है ना ही बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए हम आसानी से समय को सेकंड में नाप सकते हैं। इसलिए मानक क्या माना गया, समय का एसआई मात्रक सेकंड माना गया। यह सौर दिवस का, सौर दिवस का 1/84600 भाग हम ये मान सकते हैं कि जो 1 सेकंड क्या है, सौर दिवस का मतलब, सौर दिवस कहने का मतलब एक दिन का 1/84600 वां भाग क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। 1 सेकंड को मानक माना गया है, 1/84600 भाग को 1 सेकंड हम मानकर चलते हैं। इसके बाद अगला मात्रक होता है ताप, अगला क्या होगा, ताप। देखो एसआई पद्धति में ताप का मात्रक होता है केल्विन। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैसे,
इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब यदि हम जल का त्रिक बिंदु लें, जल का त्रिक बिंदु कहने का मतलब, क्योंकि जो पानी होता है, पानी को हम स्थायी या उष्मागतिकी का त्रिक बिंदु के हिसाब से मान सकते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु के, जल के त्रिक बिंदु का उष्मागतिकी ताप का वन अपॉन 273.16। देखो यहाँ पर जल का जो त्रिक बिंदु है, उस जल के त्रिक बिंदु का उष्मागतिकी ताप पर उसका मान कितना होगा, 1/273.16। इस भाग को 1 केल्विन कहते हैं। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक तो केल्विन होता है, मतलब हम ताप को यदि हमको मापना है, हम किस में मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? अब ये मानक केल्विन जो है आया कहाँ से? इसका है कि जब हम जल का त्रिक बिंदु निकालते हैं, क्योंकि देखो जल का एक हिमांक होता है जो कि 01 सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड। इन दोनों के जो बीच का हिस्सा होता है, बीच का भाग होता है, वो उष्मागतिकी ताप के आधार पर हम करते हैं। उसका जो मान होगा 1/273.16, इसका भाग, इसी भाग को हम क्या कहेंगे, 1 केल्विन के बराबर मानते हैं। अब होता है विद्युत धारा। पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक किसको माना जाता है? एम्पियर को माना जाता है। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो निर्वात में यदि 1 मीटर दूरी पर, ठीक है, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, निर्वात जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर 1 मीटर दूरी पर रखे अनंत लंबाई के 2 तारों को, अनंत लंबाई के तारों को, ठीक है, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे अनंत लंबाई के तारों को जब हम समान विद्युत धारा देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस समय विद्युत धारा का परिमाण कहलाता है।
ऐसा ही पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है, और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका प्रयोग करके देखा गया कि यदि निर्वात में, मतलब जब वहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, उस समय एक मीटर दूरी पर यदि हम अनंत लंबाई के दो तारों को रखते हैं, अनंत तारों की लंबाई अनंत है, तो उस समय एक दोनों की डिस्टेंस कितना रहेगा, एक मीटर होगा। उस समय दोनों तारों में यदि हम एक साथ एक ही धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर उनका परिमाण कितना हो जाएगा, विद्युत धारा का, एक एम्पियर होगा। इसलिए हम विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। यहाँ पर यदि हम एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, उस प्रकाश स्रोत की आवृत्ति, ठीक है, एक प्रकाश स्रोत लिए, उस प्रकाश स्रोत की जो आवृत्ति है और उसका जो ताप है कि कितने वाट का है और कितने हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है, दोनों को देखें तो वो कितना प्रकाश उत्सर्जित करता है वो डिपेंड करता है उसके मात्रक पर, ठीक है। इसलिए ऐसा ही पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला। इसके बाद लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा। सातवां मूल राशि का मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहने का मतलब इसमें ऐसा ही पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में जब हम नापते हैं किसी पदार्थ की मात्रा को, या किसी पदार्थ को जब हम नापते हैं तो उसका मात्रक क्या लेते हैं, मोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, अब एक पदार्थ है, पदार्थ हो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी पदार्थ यदि है तो उसमें अवयवी कण होंगे, मतलब वो कण, या क्योंकि पदार्थ जो है मिलकर बनता है अणु से, और अणु मिलकर बनता है छोटे छोटे परमाणुओं से। तो पदार्थ जिसमें अवयवी कण या तो अणु होंगे या फिर क्या होगा, परमाणु होगा। पदार्थ जिसमें अवयवी कण अणु या परमाणु, ठीक है। अब जो हम पदार्थ लिए उसमें अवयवी कण या तो परमाणु होगा या फिर क्या होगा, अणु होगा। इनकी जो संख्या की संख्या एवोगैड्रो संख्या एवोगैड्रो संख्या 6.023 × 10³³ के बराबर होगी। मतलब इसमें जो अवयवी कण है पदार्थ है, अब पदार्थ में अवयवी कण या तो अणु होगा या तो परमाणु, क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो मूल इकाई होती है, वो होता है परमाणु। अब परमाणु से मिलकर अणु बनेंगे और अणु से मिलकर बनता है एक तत्व, मतलब एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो जिसमें अवयवी कण या तो अणु या परमाणु होंगे उनकी संख्या किसके बराबर होगी, एवोगैड्रो संख्या के। अब एवोगैड्रो संख्या का मान कितना है, 6.023
3 गुणा 10 की घात 23 इसके बराबर होती है। और इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, या कह सकते हो 1 मोल। तो ऐसा ही पद्धति में यदि हमको पदार्थ को नापना है तो उसकी इकाई क्या होगी, मोल होगी। एसआई पद्धति के लाभ अब देखते हैं हम कि जो हम एसआई पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय मानक जिसको प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व जिसको प्राप्त है, उस पद्धति का लाभ क्या है। पहला लाभ होता है यह युक्ति युक्त पद्धति है। यह क्या है, एक युक्ति पद्धति, मतलब इस पद्धति में भौतिक राशि एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक है, ठीक है। यह एक युक्तियुक्त पद्धति है। इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक है। दूसरा देखो, पहला तो यह युक्तियुक्त पद्धति, मतलब इस पद्धति में ऐसा नहीं है कि एक भौतिक राशि एक हो और उसके मात्रक कई हो, इसमें केवल एक भौतिक राशि और उसका मात्रक भी क्या होगा, एक ही होगा। दूसरा यह CGS एवं MKS पद्धति के समान है। ऐसा ही पद्धति जो है वो CGS और MKS पद्धति के समान है। तीसरा यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस पद्धति को माना गया है। चौथा यह एक संबद्ध पद्धति है। देखो चार इसके लाभ है। पहला तो ये युक्तियुक्त पद्धति है, मतलब इस पद्धति में जो भौतिक राशि है जैसे लंबाई है उसका मात्रक मीटर ही है, उसके अलावा उसका कोई और मात्रक नहीं हो सकता, तो एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा। दूसरा यह CGS और MKS, CGS पद्धति और MKS पद्धति दोनों के ही इक्वल है। तीसरा यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। और चौथा यह एक संबद्ध पद्धति है, मतलब यह संबंधित पद्धति है जो कि एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित हो सकता है। तो आज हमने एसआई पद्धति के जो मूल मात्रक थे या मूल राशियां थी उनके बारे में पढ़ा कि उनके मात्रक क्या होते हैं या वो मात्रक कहाँ से लिए गए हैं, और एसआई पद्धति का लाभ। धन्यवाद।